राणो इस सारे हैं और कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होगे जी। टाइम हो गया है पौना एक। इधर आ गया जी अपना नाश्ता। कद्दू के साथ में क्या पूड़ी बनाई जाए, क्योंकि कद्दू का स्वाद पूड़ी के साथ ही है गाइस। टेस्ट करते हैं फिर। साथ में आ गया आम का अचार। इधर आ गई जी चाय। साथ लगाया थोड़ा सा अचार, कद्दू। नजारा बहुत टेस्टी। गाइस डेढ़ बज चुका है और इधर आ चुकी है जी बारिश। हल्की हल्की अभी शुरू हुई है कनिया। हवा मस्त हो रही है और मौसम भी हो गया एकदम गजब। और ये मैंने चार का डब्बा पकड़ा, मैंने यहाँ रखा था धूप में, बट देखो अब मौसम कैसा है। मैं फट उठाया, मैं कहा भाई कनिया आ गई उठा लो। गाइस दो बज चुके हैं और आज हमने निकाला है गाइस माखन। इसका निकलेगा भाजी। सब का प्यो अपना देसी घ्यो। भाजी केवर बनाया सारा देसी घ्यो लग गई साडा। सही बात है नी मम्मी, लग गई लग गई लग गया नहीं, मतलब बचा तो रहा देखो, लगा तो इतना सही, लेकिन वो जो जितना था ना जिसमें फ्राई हुआ उसका वो जो बेस था वो भाजी पूरी उसमें घेवर की स्मेल है। अब वो साला रोटी के ऊपर लगा के तो खाया नहीं जा रहा। उसके फिर हमने हलवे ही बनाया और क्या प्रसाद ही बनाया। साफ तो था ही, छूटा थोड़ी था, वो साफ सुथरा था। देखेंगे इतना जपड़ा अब भाई पूरा, मतलब कि उसका भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। समझ लो पूरा एक किलो घी था वो, पूरा एक किलो घी और पूरा उसमें घेवर की स्मेल। रोटी के लगा के खाए ऐसा लग रहा घेवर खा रहे। तो फिर निकालते हैं ताजा भाई। फिर चूल्हे उत्ते रखते ही धीमी आंच पे आता रहेगा, बनता रहेगा घ्यो। भाई 3:30 हो चुके हैं और घ्यो है तैयार। अब इसे हम छान देते हैं। लो गाइस घी अपना चकाचक कंटेनर में हमने डाल दिया है। लो गाइस आज जरा पाइप का काम करवाएं, जरा ओवरफ्लो का। पानी सारा दीवार पे आ रहा था और सारी दीवारें देखो नास हो रखी हैं, सारा पेड्डे से उग जाते हैं। मैं कहा लो जी आज करें काम सेट। जरा पहले लगा हुआ था ओवरफ्लो का पाइप, बट वो गल गया ना एल्बो से, तो वो सारा बेकार हो गया था। लो जी एल्बो निकली बड़ी मुश्किल से। गाइस मैं और चेतन आ गया पाइप लेने, रबड़ का कहाँ से लें भाजी। ले लो जितो मर्जी ले लो, पाइप पाइप ही है पाइप पाइप। तो गाइस पाइप तो हमने ले लिया पर ये चढ़ नहीं रहा इस पे। अंकल कह रहे गर्म पानी करके ना पाइप को इसमें चढ़ा देना। तो अब चलते हैं फिर घर। लो जी हाँ वो आए तो क्लिप ये पड़े तो लो जी फिट हो गया अपना। पहले भी यही लगा हुआ था, ये प्लास्टिक का लगा रहे ना अब ये वाला, ये तो अंदर जा रहा है टैंक के अंदर पानी। हाँ वो ओवरफ्लो वाला है। आ गया आ गया। ओ तेरी तो बहुत लंबा, काफी लंबा है तो। लो जी ये फिट हो गया अपना बस। तो यहाँ तक लगा दो क्या? नहीं रुक जो हैं, वो चला रखा मैंने, वैसे चला रखा मैंने ऊपर वाला हाथ। हाँ भाई यहाँ तक कर दो भाई, ठीक है बस भाई यहाँ तक ठीक है। लो जी बस ठीक है इतना। पहले वो भी इतना ही था और अभी तो वो यहाँ पर था, वो इधर वो ऊपर तक था, नहीं इतना तो ठीक है। साला घुसेगा भी नहीं घुसेगा बस। हाँ है जी कमजोर हो रही थी बारे में गई, छपड़ी छपड़ी हो रही है यहाँ। सही है सीधा इधर। चलो इधर ओवरफ्लो का पानी आ रहा है अपना इधर, मतलब पाइप में सही बिल्कुल कर देते हैं फिर बंद पानी। भाई सेट हो गया ये भी काम आज। चलो 8:15 हो चुके हैं एंड इट्स टाइम टू प्रिपेयर डिनर। इंग्लिश हो गई देखो, एक्सेंट भी कैसा था। या ब्रो हाँ जी रोंजी रोंजी आ गई है, रोंजी टू का तो नहीं रोंजी।
इधर आ गए जी प्याज ते टमाटर ते अदरक ते लाल हैगी जी हरी मिर्चा ते अदरक भी हैगी नाल। इधर आ गए जी ओए अपने सारे दे फेवरेट बैंगन। बैंगन तो वही बनाएंगे मसाले वाले और साथ में बनाएंगे जी रौंदी। दोनों में जी जाएगा मिक्सी का मसाला, तो पीस लेते हैं फटाफट। रौंदी के लिए यानी कि लोबिया के लिए हमने मसाला पीसा है। इसमें हमने डाले हैं सिर्फ दो प्याज, दो टमाटर और दो हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक। और जो बैंगन के लिए हम मसाला करेंगे ना, उसमें तीन प्याज, तीन टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। ठीक है गाइस, उसका ना मसाला ही मेन है, अगर वही नहीं बनेगा ज़्यादा तो अपना टेस्ट भी नहीं आएगा। ऑयल डाल दिया हमने, ये डालते हैं जीरा, ये जाएगा जी थोड़ा सा लहसुन जी, ये गई इसमें हल्दी, ये गया जी नमक, ये करा मिक्स, ये गया जी ऊपर ढक्कन। और इधर सरसों का तेल में बनाएंगे बैंगन। और गाइस हमने ना इंस्टेंट एक्शन लिया कि बैंगन के साथ क्यों ना आज इसमें आलू भी जाएं, तो ये चपटे चपटे हमने आलू काटे हैं बिल्कुल बारीक बारीक। इसके लिए भी हमने मसाला पीस लिया। बैंगन आलू के लिए हम पहले डालेंगे सरसों के तेल में जीरा, लहसुन पाउडर और इधर आ गई जी हींग। इधर गाइस मसाला इसका भुन चुका है और इसमें हींग डालना हम भूल गए थे, तो अब डाल देते हैं। ये गई जी इसमें लाल मिर्च, बाकी के मसाले बाद में डालेंगे, सूखा धनिया और काली मिर्च जब सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। लो जी लाल, इसमें हम रोंगी डालते हैं, हमने भिगो दी थी, ये साफ पानी है तो पानी समेत ये गई रोंगी। तो गाइस इसे सीटी दिलवा लेते हैं चार पांच। और इधर जी अब इसमें डालते हैं हम प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च की प्यूरी और इसे भून लेते हैं मसाले को। प्यूरी के बाद जाएगी इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया, मिक्स कर देते हैं इसे और इसे अब हम भून लेते हैं। तो गाइस तड़का तैयार है, देखो रोगनदार अपना ऑयल रिलीज कर दिया बढ़िया, शांत हो जा जी शांत हो जा। ऐड करते हैं इसमें बैंगन और आलू और इसे अच्छे से करते हैं सोते। पाँच दस मिनट हो चुके हैं इसे सोते करते हुए हमें, और ये बढ़िया देखो बैंगन गलने स्टार्ट हो गए हैं। लो जी हम ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी और इसे धीमी आंच पे फिर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। लो जी ये गया पानी, करते हैं हम मिक्स, थोड़ा सा नमक और डालते हैं इसमें ताकि बैंगन गल जाए बढ़िया। लो जी मिलते हैं हम आपको 10-15 मिनट बाद। और ये डन है लोबिया, बंद कर देते हैं इसे, पक गया होगा बढ़िया। तो गाइस इन्हें 20-25 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पे पकते हुए और मुझे लगता है ये रेडी हैं। जी वाह गल गए गाइस, आलू भी गल गए, रौंदी नहीं गली थी हमारी, दोबारा रखी हमने, अब दोबारा शोर मचा रही है, देखो सीटियां मार रही है दबा के। अमचूर और काली मिर्च, लो जी अब है ये फाइनली रेडी। रौंदी भी अपना गल चुकी है बढ़िया, चेक करो। अब इसमें हम ऐड करते हैं सूखा धनिया और काली मिर्च। और लो गाइस रौंदी भी अपनी फाइनली रेडी। तो गाइस 10:15 हो चुके हैं और डिनर अपना आ चुका है जी। टेस्ट करते हैं पहले बैंगन, आलू, आज तो आलू भी बोलना पड़ेगा भाई क्योंकि आलू हैं। लो जी ए स्वादी बढ़िया। आज ना हमने बैंगन कट कर लिए थे, मतलब वो पूरे पूरे बैंगन नहीं थे आज, आज स्लाइसेस कर लिए थे हमने, तो ऐसे सही है बल्कि क्या ऐसे बल्कि जल्दी गले हैं वो, एक घंटा उसमें कम से कम लग गया था गाइस पकाने में उसे, ये जल्दी गले हैं बहुत बढ़िया, नमक वगैरह सब परफेक्ट, चटपटे बहुत स्वाद बने, सरसों के तेल में लाजवाब अपना मसाला एकदम एवन। और इधर आ गई जी रौंदी, रौंदी भी बढ़िया बनी, नमक दोनों में परफेक्ट है, मसाले वगैरह एकदम लाजवाब, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया गली है, दोबारा जो गलाई है। गाइस इधर आ गए हमारे राइस 90 रुपीस केजी वाले, हाँ जी। लो जी टेस्ट करते हैं पहले इस मसाले के साथ करेंगे बैंगन वाले के साथ, एक गोच मचोला बनाया गाइस, ये आ गए राइस।
भाई इसके साथ बाकी पिछली बार भी जब बनाए थे तब भी खाए थे मम्मी चावल। कैसे लगे आपको ये अब हैं? बढ़िया लगे। नहीं बैंगन आलू बढ़िया, बहुत टेस्टी, बल्कि इसके साथ ज्यादा बढ़िया लग रहा है। रोंदी के साथ देखते हैं, रोंदी तो भाजी रोंदी रहती है बढ़िया, रोंदी के साथ भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत टेस्टी। तो कर लेते हैं हम एंजॉय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्रिय 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 बाय बाय, राम राम।